हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक अभी भी। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के वीडियो में हम लोग रियलमी GT नियो 2 के फीचर्स और डिटेल्स के बारे में जानिए, यानी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानिए कि हमें ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी बिगिनिंग से डे चल रहा है, आप लोग तेज़ी से फ़ोन ले रहे हैं। ये फ़ोन लॉन्च कर रहा है हमारे इंडिया में 8 अक्टूबर को ये फ़ोन लॉन्च कर रहा है। तो आप लोग आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो बिना समय वेस्ट किए हुए हम देखते हैं किसका डिस्प्ले कैसा है। तो डिस्प्ले जो है मेरे अनुसार बहुत अच्छा है, 6.62 इंच का यानी 16.81 सेंटीमीटर एमोलेड है। 1024 पिक्सल यानी 398 गोरिल्ला क्लास के हाई प्रोटेक्शन बेजलेस पंच होल डिस्प्ले यानी बेजलेस पंच होल डिस्प्ले है और ये गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ अवेलेबल है। वहीं इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस जो है स्नैपड्रैगन 870 820 ऑक्टा कोर और 3.2 GHz सिंगल कोर प्लस 2.42 GHz ट्राई कोर और प्लस 1.8 GHz क्वाड कोर के साथ अवेलेबल है। यानी ये गेमिंग के लिए बहुत मस्त फोन है। और इसमें जो रैम है वो 8GB तक का रैम है। वहीं हम लोग इसके कैमरे की बात करते हैं तो रियर कैमरा है जो बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रिपल कैमरा का सेटअप और लुक भी कर जाना है। 64 मेगापिक्सल का जैसे वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और LED फ्लैश लाइट के साथ अवेलेबल है जो कि वीडियो को रिकॉर्डिंग करता है 4K यानी 30 FPS वीडियो की रिकॉर्डिंग करता है। यानी ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा फोन है। या आप फोटो रियर कैमरा से फोटो ले रहे हैं तो बेस्ट फोटो आएगा। वहीं हम इसके फ्रंट कैमरा की बात करते हैं यानी हम लोग की आम भाषा में सेल्फी कैमरा की बात करें तो सेल्फी कैमरा जो है बहुत अच्छा है। मेरे अनुसार 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस के साथ अवेलेबल और फुल HD यानी 30 FPS वीडियो को रिकॉर्डिंग करता है। इसका जो फ्रंट कैमरा भी है सो अच्छे वीडियो को रिकॉर्ड कर देता है और सेल्फी को मास्टर मतलब बहुत अच्छी आप लोग ना आप लोग पहुँच बनाते हैं खास कर के लिए बहुत अच्छी है। भैया फोटो तो खींचिए लेकिन बैटरी कितने देर चलेगी, फोटो खींचिए बैटरी कितने देर चलेगी। यहाँ ये बैटरी जो है 5000 mAh पावर की और जो कि 65W फ्लैश चार्जिंग यानी USB टाइप सी को सपोर्ट करती है। यानी ये जो फ़ोन है वो बैटरी के हिसाब से बेस्ट फ़ोन है, 5000 mAh की बैटरी है जो कि आपको लंबा चलेगी फ़ोन यूज करने में। अब हम इसके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन इस प्रकार है कि इसमें SIM 1 नैनो, SIM 2 नैनो, 128GB इंटरनल स्टोरेज और नॉन एक्सपेंडेबल है। उसके साथ साथ इस फोन में कोई भी वाटर रेसिस्टेंस या डस्ट रेसिस्टेंस की बात कही गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और रियलमी GT नियो 2 फोन लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके भी आप लोग हमें बताइए। धन्यवाद।